हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है सम मात्रा वक्र के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सम लागत वक्र के बारे में। ठीक है, सम मात्रा वक्र के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सम लागत वक्र के बारे में कि आखिर ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। ये बिल्कुल गाइज सिमिलर जो है, अगर आपने बजट रेखा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बारी जो है केवल बजट रेखा वाली वीडियो को जो है जरूर देखकर आइएगा, क्योंकि अगर आपने बजट रेखा वाली वीडियो देखी है आपको ये कॉन्सेप्ट एक मिनट में समझ में आ जाएगा। बस एक ही डिफरेंस है, वहां पर जो है हम बात करते हैं उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं कि भैया आइसोकॉन लाइन जो है वो आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है जी, प्रत्येक सम लागत वक्र दो साधनों के भिन्न भिन्न संयोगों को प्रकट करता है, ठीक है, जिन्हें एक फर्म दी हुई मुद्रा की मात्रा से प्रत्येक साधन की दी हुई कीमत पर खरीद सकती है। ये क्या कह गया, ये बिल्कुल आपके ऊपर से क्या होगा, इतनी तो मेरी 100% जो है गारंटी है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से मोटे मोटे अक्षरों को देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक सम लागत वक्र क्या करती है, दो साधनों के भिन्न भिन्न संयोगों को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, जैसे कि बजट रेखा आपकी दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाती है, बिल्कुल ऐसे ही सम लागत वक्र भी जो है वो दो साधनों के भिन्न भिन्न संयोगों को दर्शाती है। अब ये क्या दर्शाती है कि जिन्हें एक फर्म दी हुई मुद्रा की मात्रा से, मतलब जितनी की उसकी औकात है एक उत्पादक की, कितना उसके पास पैसा है, वो उस पैसे से जो है दो साधन कौन कौन से खरीद सकता है अगर प्रत्येक साधन की कीमत जो है वो दी हुई हो। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे उपभोक्ता में था, बिल्कुल ऐसी उत्पादक में भी है। मान लीजिए एक उत्पादक है, ठीक है, एक उत्पादक है जिसके पास मान लीजिए 40 रुपीज है। कितने रुपीज है? 40 रुपीज है। और दो साधन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, एक तो मैंने ले लिया श्रम, जो कि मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि 10 रुपीज का है, और एक मैंने जो है यहाँ पर ले लिया है जी पूंजी। ठीक है, ये भी मैंने मान लीजिए यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि दोनों 10-10 रुपीज के हैं। औकात कितनी है उसकी उत्पादक की? 40 रुपए वो खर्च कर सकता है इन दोनों साधनों को खरीदने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन को जो है परचेज कर सकता है? देखिए, या तो वो ऐसा कर सकता है कि भाई सारे के सारे श्रम ही खरीद ले, ठीक है, लेबर खरीद ले सारी की सारी, और एक भी 10 रुपए का है, 40 से कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, या तो 4 लेबर खरीद ले, ठीक है, एक भी कैपिटल ना खरीदे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 40 रुपए खर्च हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3 ये खरीद ले, 3 लेबर ये खरीद ले, एक कैपिटल खरीद ले, तो भी 40 रुपए खर्च हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है दोनों, 2 लेबर खरीद ले, 2 कैपिटल खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है, या 1 लेबर खरीद ले, 3 कैपिटल खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है, या ये खरीदे ही ना एक भी, या सारी की सारी क्या कर ले, सारी की सारी कैपिटल ही खरीद ले। तो ये वो सारे संयोग हैं जो एक उत्पादक 40 रुपए से जो है दो साधनों को खरीद सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो संयोगों को दर्शा रहा है जो एक उत्पादक, जो भी फर्म के पास दी हुई मुद्रा थी 40 रुपए, और जो दो साधनों की दीदी कीमत है 10-10 रुपए, उनसे कौन कौन से संयोग खरीद सकता है वो मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है। इन सभी संयोगों से उत्पादक के पास जितने भी रुपीज हैं 40 रुपीज, वो क्या हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे जो है खर्च हो जाएंगे। तो अगर मैं इसी को ग्राफिकली जो है प्रेजेंट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगी सम लागत वक्र। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। मैं बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, इसलिए मेरे मुद्दे पे मत जाना, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। अब आती है बात कि कहाँ पे श्रम लिखना है, कहाँ पर पूंजी लिखनी है। ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पर जो है श्रम लिख दिया है, और यहाँ पर जो है मैंने
पूंजी लिख दिया है, ठीक है। औकात कितनी थी मेरी, 40 रुपए जो है मेरी औकात थी, 40 रुपए तक मैं जो है खर्च कर सकता था इन दोनों साधनों की खरीद पर। तो जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जो है बन जाएगी। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये जो है बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट वाई एक्सिस है ये, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो है एक्स जीरो होता है, तो ये जो है 0-4 वाला कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर जो है ये यहाँ एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर 4 और 0 वाला ये जो है कॉम्बिनेशन है। ऐसी मान लीजिए एक ये ले लेता हूं मैं, एक ये ले लेता हूं, 1 2 3 4 1 1 2 3 दूर दूर ले लीजिए, चलो थोड़े 1 2 3 चलो यहाँ ले लीजिए पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका 1 3 है, 1 3, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका 2 2 है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका जो है 3 1 है, ठीक है जी। ये सब पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया, इन सब पॉइंटों को मैंने इस सम लागत वक्र पे जो है रिप्रेजेंट कर दिया। इनको मैं नाम दे देता हूं, ए बी तो मैंने यहां दे दिया, सी डी ई, तो ए, और ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया जी सम लागत वक्र, जो कि क्या दिखा रहा है, जो कि दो साधनों के जो है भिन्न भिन्न संयोगों को प्रकट कर रहा है कि एक उत्पादक के पास जितनी भी दी हुई मुद्रा थी 40 रुपए, वो इन दो साधनों के कितने संयोगों को बाय कर सकता है। वो ओबी जो है इतना श्रम बाय कर सकता है 40 रुपए से, अगर सारे के सारे श्रम करना चाहे, और इतनी ओए पूंजी बाय कर सकता है, मतलब 4 ये कर सकता है, 4 ये कर सकता है, टोटल उसके पास जितने भी 40 रुपए है, ठीक है। अब बिल्कुल इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि कुछ पॉइंट होते हैं सम लागत वक्र के अंदर, ठीक है, कुछ पॉइंट होते हैं सम लागत वक्र के बाहर, और कुछ पॉइंट होते हैं सम लागत वक्र के ऊपर, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो भैया जो सम लागत वक्र के ऊपर होते हैं, इसकी इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि इनकी जो लागत है, इनकी जो लागत है वो कम है जितनी हमारी औकात है। भाई ये मेरी औकात थी 40 रुपए, ठीक है। अब जो इसके अंदर है इनकी लागत कम है, मेरे पास पैसे ज्यादा है, तो ये कॉम्बिनेशन में बाय कर सकता हूं। और कुछ पॉइंट होते हैं मेरी औकात से बाहर, मेरी औकात इतनी थी, ये क्या शो कर रहे हैं कि इनकी जो लागत है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा है मेरी 40 रुपए से, जितना मैं उस पर खर्च करने के लिए, व्यय करने के लिए जो है जितना मैं रेडी हूं, उससे उनके उनकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो कहीं ज्यादा है, मतलब 40 रुपीज से यहाँ ज्यादा है, ये मैं खरीद ही नहीं सकता, ये मैं खरीद सकता हूं। और जो पॉइंट बजट लाइन के ऊपर होते हैं वो क्या है, शो करते हैं कि इनकी जो लागत है वो बराबर है किसके, जितना मैं खर्च करने के लिए रेडी हूं, व्यय करने के लिए तैयार हूं। तो एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक जो है कौन कौन से कॉम्बिनेशन को बाय कर सकता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। एक उत्पादक जो है सम लागत के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उसको भी बाय कर सकता है, ठीक है, और सम लागत के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उनको भी बाय कर सकता है। हम ये वाले कॉम्बिनेशन जो है परचेज कर सकते हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन भी परचेज कर सकते हैं, जो उसके बाहर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको उत्पादक नहीं खरीद सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है वो हमारी औकात से क्या है, वो हमारी औकात से जो है बाहर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बजट लाइन के अंदर होता है बिल्कुल ऐसे ही सम लागत वक्र के अंदर भी होता है। एक चीज तो मैंने आपको पॉइंट की सिग्निफिकेंस बता दी थी, कौन से पॉइंट जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे बजट लाइन के अंदर समीकरण होती है, बजट लाइन का स्लोप होता है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी जो है इसकी भी जो है इक्वेशन होती है, और इसका भी जो है ढलान, इसका भी स्लोप होता है। तो अगर आपको सम लागत का अगर आपको समीकरण लिखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, सम लागत का अगर आपको समीकरण लिखना है, तो यहां पर जो है गाइज हम जो श्रम को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि गाइस श्रमिक को मिलता है वेजेस, ठीक है, तो वेजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं डब्ल्यू से। और पूंजी कैपिटल यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आर से, ठीक है, आर से ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका जो सम लागत का अगर हम समीकरण की बात करें, तो इसका जो सम लागत का जो समीकरण है वो होता है जी टोटल कॉस्ट, कुल लागत इज इक्वल टू लेबर जितनी भी है, लेबर जितनी भी है, इनटू में डब्ल्यू,
W क्या था, वेजेस, मतलब एक वर्कर को कितनी वेजेस देनी पड़ रही है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं जितनी भी मेरे पास लेबर है, तो टोटल मेरे पास लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और प्लस अगर मैं, मेरे पास जितनी भी कैपिटल है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि भाई मेरे को पूंजी का जो है कितना कॉस्ट आ रहा है। तो अगर आपसे, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको सम लागत समीकरण लिखनी है, तो इसकी जो समीकरण होती है वो होती है जी आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप इसको वैसे जैसे मैंने आपको बजट लाइन में शो करना सिखाया है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे कि ये 1-3 वाला मैंने ले लिया, ये 1-3 वाले की कॉस्ट कितनी आएगी। ए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैं एक लेबर ले रहा हूं, 3 कैपिटल ले रहा हूं, एक लेबर ले रहा हूं 10 रुपए की है, 3 कैपिटल ले रहा हूं 10 रुपए की है, तो 10 + 30 तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। तो इस वाले कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है, इस वाले कॉम्बिनेशन की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 40 रुपीज, ठीक है। तो आपको सम लागत समीकरण पता होनी चाहिए, साथ के साथ जो है आपको सम लागत का ढलान, यानी कि आपको स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट लाइन जो है वो पता होना चाहिए। इसका भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे बजट लाइन के अंदर होता है दोनों वस्तुओं की कीमत PX / PY, तो इसका भी गाइज बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका जो ढलान होता है वो होता है W / R, मतलब वेजेस की जो कॉस्ट आ रही है आपकी, और आपकी जो पूंजी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी की जो कॉस्ट का जो अनुपात है वो ही सम लागत ढलान या आइसोकॉन्ट लाइन का जो है स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हमें पता चल गई कि सम लागत वक्र क्या होते हैं, सम लागत वक्र के अंदर पॉइंट क्या शो करते हैं, सम लागत वक्र के बाहर पॉइंट क्या शो करते हैं, उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है और इसका स्लोप जो है वो क्या होता है, ये बात हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। अब बात करते हैं गाइस बहुत ही ज्यादा मेन मुद्दे की, वो है कि सम लागत वक्र के अंदर खिसकाव कब कब होता है, और ये मुद्दा आपको घोलकर पी जाना है। सम लागत वक्र में खिसकाव, ठीक है, खिसकाव जो है कैसे कैसे होगा और कब कब होगा, ठीक है, देख लेना क्या लिख दिया मैंने। अब देखिए खिसकाव बिल्कुल वैसे ही होता है कि भाई जैसे हमारी बजट रेखा के अंदर हमने क्या सीखा है कि भाई जब कंज्यूमर की औकात बढ़ती है तो हमारी बजट लाइन जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और जब कंज्यूमर की औकात घटती है तो बजट लाइन जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो इसके अंदर भी गाइज बिल्कुल ऐसे ही शिफ्टिंग होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले अपने ये बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। मान लीजिए मैंने बना दिया वाई एक्सिस और ये मैंने बना दिया है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूंजी और यहाँ पर मैंने लिख दिया है श्रम, ठीक है। तो पहले मेरे पास औकात कितनी थी 40, तो मेरी जो बजट लाइन बनी थी सम लागत लाइन बनी थी वो बन गई थी मेरी ये, ठीक है, ये है मेरी ए और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है, ये मेरी जो है सम लागत लाइन थी, ठीक है। अगर मैं ये कब है, जब मेरी औकात 40 रुपए है, जब मैं 40 रुपए तक दो साधनों को परचेज करने के लिए मैं खर्च कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर उत्पादक जो है 40 रुपए से अगर ज्यादा खर्च कर सके, अगर उसकी औकात बढ़ जाए, मान लीजिए 40 से अब वो जो है 70 रुपए अगर खर्च कर रहा है, तो भैया सिंपल सी बात है औकात बढ़ जाएगी और आपकी जो सम लागत लाइन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और इस कॉम्बिनेशन को नाम दे दीजिए ए, सॉरी लाइन इसको नाम दे दीजिए ए डैश और इसको नाम दे दीजिए बी डैश। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा अगर कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, वो 70 रुपए अगर वो खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। अगर और ये क्या है ए बी, ए बी है अगर 40 थे, ये कब थे, अगर 40 रुपीज जो है औकात थी, ठीक है। अगर औकात कम हो जाए तो अगर मान लो 20 रुपए हो जाए तो क्या होगा, अब हमारी ये इधर आ जाएगा लेफ्टवर्ड, किधर आ जाएगा ये आ जाएगा इधर लेफ्टवर्ड, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी आपका 20 रुपीज, ठीक है। तो आपकी जो ये सम लागत लाइन है ये शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। अच्छा,
तो यहां से जो है आपको एक चीज पता चल गई कि अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो चुके हो, अगर आपकी ये कह सकते हो परचेजिंग पावर अगर बढ़ रही है तो कैसे होगा शिफ्ट, तो दाईं तरफ हो जाता है, अगर घट रही है तो बाईं तरफ हो जाता है। ठीक है, ये तो थी बात सम लागत वक्र में खिसकाव कैसे कैसे होगा अगर यहाँ पे साधनों की कीमत में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे जो आपकी साधनों की जो कीमत है वो क्या है, वो तो अभी स्थिर है, मैंने साधनों की कीमत में कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अगर आपकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ रही है, उत्पादक की अगर परचेजिंग पावर अगर बढ़ रही है तो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर परचेजिंग पावर जो है वो घट रही है उत्पादक की तो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बाईं तरफ आपकी जो है सम लागत वक्र में खिसकाव हो रहा है। अब जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, खिसकाव देख लेना यार कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है कि क्या हो रहा है। अभी मैंने साधनों की कीमत में कोई भी चेंज नहीं किया है, अब मैं साधनों की कीमतों में चेंज करूंगा। ठीक है, जैसे कि बजट लाइन के अंदर हमने सीखा है कि बजट लाइन के अंदर क्या होता है, अगर एक्स वस्तु की कीमत घट गई तो वो कंज्यूमर क्या करता है, एक्स वस्तु ज्यादा खरीदता है, अगर वाई की हो गई तो वो वाई की ज्यादा खरीदता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए श्रम की कीमत जो है पहले 10 रुपए की बिक्री थी, ठीक है, मिल रहा था, अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया, अगर उसकी कीमत 10 से कम हो जाए तो हम श्रमिक लेबर ज्यादा खरीद सकते हैं, अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो हम लेबर कम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही पूंजी के अंदर भी है, कैपिटल के अंदर अगर कीमत ज्यादा हो जाए तो हम कम खरीदेंगे, अगर कम हो जाए तो ज्यादा खरीदेंगे। देखिए, तो उससे जो है सम लागत वक्र में कैसे खिसकाव आता है वही जो है हमें समझना है। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेबर का कम करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है पूंजी का कम करके दिखाऊंगा और दोनों तरीके से देखेंगे कि कैसे जो है शिफ्टिंग होती है। मान लीजिए आपकी जो इनिशियल बजट लाइन है वो है ये, ए मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे मैं जो है श्रम लिख रहा हूं और यहाँ पर जो है मैं पूंजी लिख रहा हूं। ठीक है, श्रम लिख लिया, पूंजी लिख लिया। अब मान लीजिए लेबर जो है वो 10 रुपए से घटकर कितने की हो गई, मान लीजिए 8 रुपीज की हो गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अब ज्यादा लेबर खरीद सकोगे क्योंकि लेबर जो है वो सस्ती है एज कंपेरिजन टू कैपिटल। तो भैया आपकी जो सम लागत लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरफ, किधर, ए से बी डैश की तरफ, इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर और सस्ती हो जाए, अगर 8 रुपए से जो है और सस्ती हो जाए, मान लीजिए 6 रुपीज हो जाए, तो फिर से क्या होगा, और शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि अब आप और क्या कर सकते हो, अब आप और जो है लेबर खरीद सकते हो क्योंकि लेबर जो है वो और सस्ती हो गई है एज कंपेरिजन टू कैपिटल। ठीक है, यहां पर आपको जो है ये ध्यान रखना है गाइस, मैं पूंजी में जो है कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। पूंजी में कोई भी चेंज क्यों नहीं कर रहा हूं, पूंजी में पहले भी ओ इतनी ही बाय कर पा रहा था, अब भी मैं इतनी ही बाय कर पा रहा हूं क्योंकि पूंजी की कीमत में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पूंजी पहले भी 10 रुपए की थी, अब भी 10 रुपए की है, इसलिए मैं उसकी ना ही ज्यादा क्वांटिटी ना ही कम क्वांटिटी खरीद पाऊंगा। ठीक है, वो पहले जितनी खरीद रहा था अब भी उतनी ही खरीद पा रहा हूं। लेकिन मान लीजिए अगर पूंजी में चेंज आ जाए तो कैसे जो है आपकी सम लागत लाइन जो है शिफ्ट होगी, उस चीज को देखिए। मान लीजिए और श्रम, अगर श्रम ऐसे ही रहे, अब की बार श्रम में कुछ नहीं करना, केवल पूंजी में करना है। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। तो मेरी जो इनिशियल बजट लाइन थी वो थी लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। यहां पर मैंने लिख दिया श्रम और यहां पर मैंने क्या लिख दिया जी, पूंजी। ठीक है, अब मान लीजिए पूंजी, अब मैं पूंजी के जो है कीमत कम कर रहा हूं, 10 रुपए से 8 रुपीज हो गया मान लीजिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कैपिटल जो है ज्यादा बाय कर सकते हो एज कंपैरिजन टू लेबर, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो आपको सस्ती मिल रही है। अब की बार मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा, क्यों,
क्योंकि भाई लेबर पहले भी 10 की थी, अब भी 10 की है, लेकिन कैपिटल आपकी जो है वो चीपेस्ट हो गई है, इसलिए अब आप पहले ओए बाय कर पा रहे थे, अब आप जो है ओए वन को जो है बाय कर पा रहे हो, ठीक है। अगर और सस्ती हो जाए, अगर 8 से जो है 6 रुपए अगर हो जाए तो क्या होगा, तो फिर आप और ज्यादा बाय करोगे, तो और ये जो है शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से ए ए डैश और ए डबल डैश, ठीक है। अगर और कम हो जाए तो यहां पर क्या हो रहा है गाइस, यहां पर जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, यहां पर आप साधनों की कीमत को चेंज कर रहे हो, ठीक है। औकात हमारी उतनी है 40 रुपए, भाई इस केस में भी क्या है, इस केस में भी आपकी 40 रुपए औकात है और इस केस में भी आपकी 40 रुपए ही औकात है, आपकी औकात नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साधनों की कीमत है वो आपको पहले जितने रुपीस की मिल रही थी, अब आपको जो है वो उससे चीपेस्ट मिल रही है, उससे सस्ती मिल रही है, इसलिए आप उसकी जो है ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर पा रहे हो, ठीक है। है 40 रुपए ही आप, लेकिन पीछे जो मैंने आपको शिफ्टिंग बताई वहां पे साधनों की कीमत उतनी थी 10 रुपए, बढ़ क्या रहा था वहां पे, वहां पर आपकी औकात बढ़ रही थी। अगर आप 40 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर कम कर रहे हो तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हो गई आपकी पूरी की पूरी आइसोकॉन्ट लाइन पर, ठीक है। अब दो मुद्दे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आइसोकॉन्ट लाइन से ही रिलेटेड। सबसे पहले मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, इसको कहते हैं जी कीमत साधन वक्र, क्या बोलते हैं जी, कीमत साधन वक्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइस फैक्टर कर्व। ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा है, कहां पर कंज्यूमर वाले उसमें आईसी में हमने पढ़ा है कीमत उपभोग वक्र, ठीक है। ऐसे इसका भी होता है, जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था, मान लीजिए भाई ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जीरो। ये मेरी जो है इनिशियल बजट लाइन थी, ठीक है, ये मेरी जो है इनिशियल बजट लाइन थी, ठीक है, ये हो गई। अब मान लीजिए इस बजट लाइन पर जैसे कि आईसी होता है, ऐसे ही आइसोकॉन्ट भी जो है इस पे टेंजेंट है, अभी आगे डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आपका जो आइसोकॉन्ट है वो जो है यहां पर जो है इसके टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, श्रम की इतनी और पूंजी की जो है इतनी मात्रा को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ओ एक्स और ओ वाई, ठीक है। अब अगर जो है श्रम की कीमत घट गई, अगर श्रम की कीमत क्या हो गई, अगर श्रम की कीमत जो है घट गई तो सिंपल सी बात है आप क्या करोगे, ये ज्यादा खरीदोगे श्रम। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कैसे आपकी जो है बजट सम लागत लाइन शिफ्ट होगी, आपकी सम लागत लाइन शिफ्ट हो जाएगी, पहले जो है ये ए बी थी, अब जो है ये ए बी डैश हो जाएगी, ठीक है, और अब आप इसकी जो है ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर पाओगे। तो मान लीजिए ये आपके पास जो है इस आइसोकॉन को यहां पर जो है इसको मैं नाम दे देता हूं IQ1, इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसको भी नाम दे दीजिए ई, इसको नाम दे दीजिए E1। मान लीजिए और शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, तो फिर आप और ज्यादा क्या करोगे, इसको बाय कर पाओगे, तो और ये हो गया शिफ्ट यहां पर, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये इसको जो है टेंजेंट हो रहा है इसके यहां पर IQ3, ये आ गया पॉइंट E3। तो अगर गाइज ये जो E1 E3 E2 नाम दे दीजिए इसको E1 E2, ये जो तीनों पॉइंट आए हैं, अगर मैं इन तीनों के तीनों पॉइंटों को मिला दूं लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट आए गाइज, इससे ये जो कर्व बना है इसी को कहेंगे प्राइस फैक्टर कर्व। क्या बोलेंगे, कीमत साधन वक्र। जैसे वहां पर था कीमत उपभोग वक्र, ऐसे यहां पर है कीमत साधन वक्र, क्योंकि यहां पर वहां पर उपभोग था इसलिए उपभोग आ गया, यहाँ पे साधनों की बात चल रही है इसलिए यहाँ पे साधन आ गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जो है और कुछ भी चेंज वगैरह नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है,
ठीक है, एक तो ये था मुद्दा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्या है। गाइज अभी आप इसमें जो है इतना ही पढ़िए, ठीक है। जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन पाथ विस्तार पथ, ठीक है। उसके बारे में मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर आऊंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेट वीडियो रहेगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा विस्तार पथ जो है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है कवर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपके लिए इतना ही। आपको मैंने ये जो जितना भी पढ़ाया है, आपको आइसोकॉन कर्व और आइसोकॉन लाइन, ये दोनों बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। आप इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।